राजस्थान में बढ़ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना से करीब 4000 लोग संक्रमित हो गए हैं। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 3940 हो गई है। राजस्थान में 2 बजे तक 126 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। 2 बजे की ताजा रिपोर्ट में उदयपुर से 46, जयपुर में 17, अजमेर और अलवर से 11 कोरोना पॉजिटिव, बाड़मेर से 2, भरतपुर से 1 और चित्तौड़गढ़ से 5 कोरोना पॉजिटिव, दौसा में 2, डूंगरपुर में 1, जैसलमेर में भी 1, जालौर में 5, जोधपुर जिले से 2 कोरोना पॉजिटिव, साथ में करौली में 2, कोटा से 3, नागौर में 2, पाली में 5, राजसमंद जिले से 4, सिरोही में 4, टोंक में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मिले और इसी के साथ जयपुर और अजमेर में आज एक एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत भी हो गई है। राजस्थान में कोरोना की स्थिति है, उसमें तो हमारी मृत्यु दर 2.83% है, जबकि नेशनल एवरेज 3.3% है, और मरीजों के ठीक होने का जो प्रतिशत है वो हमारा 58% है रिकवरी, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग आधा है, 29.9 है, और हमारी जो पॉजिटिव केस होने की दर है वो भी 2.35% है और राष्ट्रीय औसत है 3.92%, लगभग 4, तो प्रदेश में दुगना होने का जो औसत है मरीजों का वो राष्ट्रीय औसत 12 दिन है, हमारे 18 दिन में दुगने हो रहे हैं। तो राजस्थान में कुल मिला के कोरोना के संक्रमण की स्थिति है, अब तक 108 लोगों की मृत्यु हुई है और रिकवरी का परसेंटेज मैंने आपको बताया है 58% से ज्यादा रिकवरी है। तो ये जो मोर्टिलिटी रेट है ये भी नेशनल एवरेज से बहुत कम है और प्लाज्मा थेरेपी हमने शुरू की है जयपुर और जोधपुर में, उसके बाद तो ये मोर्टिलिटी रेट। चलिए अधिक जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी लोकेश ओला इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, आंकड़ों के आधार पर अगर कहा जाए तो राजस्थान में स्थिति जो है वो नियंत्रण की रेखा से अब नीचे आती जा रही है, 3900 का आंकड़ा पार कर गई है संख्या, बेहद चिंताजनक विषय लोकेश। जी बिल्कुल, लगातार कोरोना के पॉजिटिव केसेज हैं प्रदेश में, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब तक की बात करें तो आज 2 बजे तक 126 कोरोना पॉजिटिव प्रदेश में सामने आए हैं और प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 3940 हो चुकी है। वहीं जो मौतों का ग्राफ है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और वो आज 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत सामने आई है, जयपुर और अजमेर में एक एक की मौत हुई है। और वही जो आप बात करें तो मौतों के पूरे आंकड़े की तो अब तक 110 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है, लेकिन राहत की खबर यह है कि लगातार जहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है वहीं ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इनकी इजाफा देखने को मिल रहा है और उसमें अब तक 2264 कोरोना पॉजिटिव है जो ठीक हो चुके हैं, जिनमें से 2000 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जो एक प्रदेश की अच्छी खबर है। यानी कि बात करें तो प्रदेश में जो ठीक होने वालों का ग्राफ है वो लगातार इनके बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ में बात करें तो मौतों का ग्राफ है वो भी देश के अनुसार अनुपात में देखा जाए तो बहुत ही कम नजर आ रहा है। बात करें क्योंकि जहाँ कोरोना पॉजिटिव की संख्या इतनी सामने आ रही है उसमें यह सबसे अहम रोल है जांच सैंपल बढ़ाने का और प्रदेश में अब तक 1,75,383 लोगों के जो सैंपल है वो लिए जा चुके हैं, जो ऐसे में जो लगातार जो कोरोना का दायरा बढ़ाया गया था उसी का परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या सामने आ रही है वो उसी के चलते आ रही है और एक सतर्कता नजर आ रही है चिकित्सा विभाग की। साथ ही साथ जिस तरह से प्रदेश के सबसे बड़े समस्त अस्पताल से बात करें तो जोधपुर के मेडिकल कॉलेज और उदयपुर मेडिकल कॉलेज और अन्य जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर भी चिकित्सा सुविधाएं लगातार बढ़ाई जा रही है। चिंता की विषय अभी जो उदयपुर बनता जा रहा है, उदयपुर में पिछले 3-4 दिन से लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, अभी उदयपुर में 46 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और उदयपुर में जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 169 हो चुकी है, इसमें लगातार जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो बढ़कर सामने आ रही है उदयपुर में भी वो एक चिंता की विषय है।
हालांकि जोधपुर में अब तक किसी भी कोरोना पॉजिटिव की मौत नहीं हुई, तो ये है एक राहत की खबर है। हालांकि प्रदेश में लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव सामने उसी में मौतों का ग्राफ भी अधिक बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या भी अधिक आ रही है, तो एक प्रदेश के लिए अच्छी और राहत भरी खबर है कि कोरोना पॉजिटिव आ रहे लेकिन वो 2 या 3 दिन में ही ठीक हो रहे हैं, जो प्रदेश के चिकित्सा विभाग के लिए अच्छी खबर है, प्रदेश की जनता के लिए अच्छी खबर है। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद लोकेश। प्रदेश भर में यहां पर कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। राहत की खबर यह है कि जो रिकवरी रेट्स है वो भी अपनी गति को पकड़ चुकी है, 3,900 के पार पहुंच गया है। हालांकि आंकड़ा प्रदेश भर में, लेकिन जो ठीक होने वाली संख्या है वो भी काफी अधिक है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए अलवर से एवन संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, मैं जानना चाहूंगी अभी क्या स्थिति है वहां की। जी बताना चाहूंगा जयती कि आज अलवर के लिए कोरोना के संबंध में बेहद खराब खबर है, क्योंकि 11 पॉजिटिव एक साथ अलवर जिले में आए हैं, जो इनमें 4 अलवर शहर में हैं, 2 लक्ष्मणगढ़ में हैं, 1 कोटकासिम में है, रामगढ़ में है, बानसूर में है, किशनगढ़ बास में है और बड़ौदा मेयू में। आज एक साथ अचानक 11 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने से प्रशासन में जहां हड़कंप मचा हुआ है, वहीं आमजन में भी भय की स्थिति बनी हुई है। मैं बताना चाहूंगा कि जो अब तक सैंपल कोरोना के लिए गए हैं वो 5,110 सैंपल हैं, जिनमें से नेगेटिव 4,509 मिले हैं और पॉजिटिव जो पूर्व में 21 थे लेकिन आज 11 और मिल चुके हैं और अभी 584 मरीजों की रिपोर्ट आना शेष है। कुल मिलाकर जो आज की रिपोर्ट आई है उसके बाद अलवर प्रशासन हरकत में आ चुका है और जहां जहां पॉजिटिव केस आए हैं वहां वहां सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई है। चंद्रशेखर, एक और चीज है इसमें मुख्य बिंदु, क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन हड़कंप में था और अब सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू कर दी गई है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, 17 तारीख बताया जा रहा है फिलहाल लॉकडाउन की अवधि, तो वहां तक पहुंचने के लिए अभी 5 दिन का समय है, किस प्रकार से रणनीति बनाई जाएगी इस संकट की स्थिति से निपटने के लिए? बिल्कुल, प्रशासन की ओर से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा था और जो सरकार की ओर से गाइडलाइन थी उसके अनुसार कार्य चल रहा था। क्योंकि अलवर ऑरेंज जोन में था इस कारण से उसी अनुसार व्यवस्थाएं चल रही थी, लेकिन आज जो 11 पॉजिटिव एक साथ आए हैं उसके बाद व्यवस्थाएं बदल गई हैं और 11 पॉजिटिव वाले स्थानों पर जिला प्रशासन द्वारा कर्फ्यू जैसे हालात लगाए जाएंगे और उसी तरह की व्यवस्थाएं की जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर।